स्वामी जी, हेल्दी लिवर यानी कि सेहत की गारंटी। तो लिवर की बीमारियों पर अब एक एक करके हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। लेकिन स्वामी जी, सबसे पहले हर किसी का लिवर तंदुरुस्त रहे, योगाभ्यास की तो शुरुआत आपने करा दी है, सूर्य नमस्कार भी हम करेंगे, लेकिन इनके अलावा, योगाभ्यास के अलावा और किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में फैटी लिवर के रोगी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। फैटी लिवर के लिए तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो हम लोग नमकीन ऐसे थोक में खाते रहते हैं, नमकीन, चॉकलेट, इनमें 30 से लेकर के 50% तक फैट कंटेंट होता है रोज। एक तो योगिंग ज़्यादा भी ना कर पाए तो एक तो ये और एक ही के ये दो अभ्यास तो अवश्य कर लें, और फिर जो पूरा कर सके वो भुजंगासन 100 बार का हमने सबको टारगेट दिया ही हुआ है, ये भी करें। तो ये फैटी लिवर वालों को नमकीन और मीठा चीनी, ये सब जो चीनी है ना, शुगर है, ये भी कार्बोहाइड्रेट पूरा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस का जो बैलेंस बिगड़ता है, लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार तक करना है, एक बात है। तो नमकीन, मिठाई सहित जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, इसे भी बचना है। ज़्यादा घी तेल ऐसे अपने घर के खाने में भी, लोग कहते हैं घर का खाना अच्छा होता है, लेकिन घर के खाने में बहुत ज़्यादा घी तेल नहीं, सब चीज़ों की संतुलित मर्यादित मात्रा होनी चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित है। दूसरा, लीवर की एक्सरसाइज नहीं हो रही, वो ठीक है, शराब से लेकर के दूसरी चीज़ें उसका कारण हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है भाई कि लीवर की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वहाँ पर कबाड़ा इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ पर टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। हमको लीवर को क्लीन करना नहीं आता है, पेट को तो साफ करने के लिए फिर भी कुछ ले लेते हैं, शरीर को भी साफ करने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए, बालों को साफ करने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अंदर की सफाई कैसे करें लीवर की, तो शंख प्रक्षारण, कोलोन थेरेपी आदि, और बस्ती तो बहुत ही ज़बरदस्त है उसके लिए, फिर भी तो लीवर को एक्सरसाइज दें। अब देखो, करने के लिए तो हम ये भुजंग आसन कर रहे हैं, 100 बार तक हमने टारगेट दिया, और धीरे धीरे करके देश के लोग पहुंच भी जाएंगे, 10-10 करके रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और हमने तो आज का जो चैलेंज है आप जो दिखाने वाले अंत में, वो 10 बार जो सर्वश्रेष्ठ करेंगे उनको पुरस्कार, गिफ्ट हैम्पर सब भी देंगे। ये तो लीवर के लिए एक तो एक्सरसाइज देखो, बैठ करके मंडूकासन होता है, तो लीवर की एक्सरसाइज पूरी न मिलने से, जो कि कपालभाति से मिलती है भाई, ये प्राणायाम से मिलती है, मूल बंद उड्यान बंद से मिलती है कपालभाति, मंडूकासन के साथ ही कर लें, योग मुद्रासन, लीवर को प्रॉपर एक्सरसाइज न मिलना। फिर ये जो ओवर ईटिंग, बेसमय खाना, ज़्यादा खाना, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा आरोग्यम, चतुर्भुक्तम तु मार्गम, तो ये तीन बड़े कारण हैं। तो अनहेल्दी फूड से बचना है, ओवर ईटिंग से बचना है, और प्रमाद से बचना है, पुरुषार्थ करना है, लीवर की एक्सरसाइज करनी है, मंडूकासन, वे कपाल भाती ऐसे ऐसे, और ये तीसरा तो और है, उदरांजलि मुंडूकासन, क्या बात है। और जिन की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है वो तो योग मुद्रासन भी कर सकते हैं, मेरे साथ प्यारे प्यारे बच्चे भी कर रहे हैं, कर लो बच्चों, ये वाले बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, ये छोटे बाबू आप भी करो, आगे झुक जाओ ऐसे, क्या बात है, ये तो अच्छे बच्चे हैं भाई सारे के सारे। हाँ, मंडूकासन ऐसे अपने सब बच्चों को करवाया करें, छोटे छोटे बच्चों को फैटी लीवर हो गया आजकल, लो 8, 10, 12, 15 साल के बच्चों को फैटी लीवर, फिर वो लीवर सिरोसिस में, लीवर फाइब्रोसिस में, हेपेटाइटिस में, लीवर कैंसर तक में तब्दील हो जाता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन ऐसे करें, और
कुछ जड़ी बूटियों का बोध जो मैंने प्रारंभ में बताया था, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, एरेंड, पपीता के पत्ते, गिलोय, वीट ग्रास, एलोवेरा, इन छोटी छोटी चीजों का बोध होना चाहिए। और जब किडनी पर भी बुरा असर आ जाता तो नीम, पीपल और ये एलोवेरा तो एक में देखो, एक में कम से कम ये 20-25 एक साथ निकल रहे हैं, एक साथ पूरा। इसका कोई फैमिली प्लानिंग यहाँ पर नहीं है, पूरा जनसंख्या वृद्धि जोरदार हो रही है यहाँ पर, कोई पॉपुलेशन कंट्रोल का सिस्टम नहीं है। अनार सुबह सुबह जरूर खाया करें स्वामी जी, इन मामलों में भी वृद्धि वैसे ही हो रही है।